माफिया अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कुक्षी जिला धार पुलिस को 15 दिन के भीतर हथियार माफिया के खिलाफ मिली दूसरी बड़ी सफलता। 15 दिन पूर्व कुक्षी पुलिस के द्वारा दमोह के गिरफ्तार आरोपी सुदीप अहिरवार से पूछताछ के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस के लगातार 14 दिन की मेहनत के बाद आरोपी गोपाल को पकड़ने में मिली सफलता। 4 लाख कीमत के 24 फायर आर्म्स और 10 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। कुक्षी थाना प्रभारी और एसडीपी कुक्षी द्वारा सुदीप अहिरवार नाम के व्यक्ति को पकड़ के 30 से फायर आर्म जब्त किया गया था। उसी के इनपुट के आधार पर कुक्षी थाना प्रभारी ने पुनः गुलाब नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 24 हथियार मिले हैं, जिसमें 2 पिस्तल और 22 देसी कट्टे और 10 जिंदा कारतूस। इस प्रकार 15 दिनों में 54 अवैध शस्त्र पकड़ करके एक बहुत बड़ी सफलता कुक्षी थाना प्रभारी राजेश यादव, ज्योति कुंची विष्णु गुप्ता, एडिशनल SP नजीत के लीडरशिप में बरामद किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर के अवैध गतिविधि करने वाले लोगों के खिलाफ बहुत प्रभावी कार्रवाई है। निश्चित रूप से इस कार्रवाई से बदमाशों पर अंकुश लगेगा, अमन चैन रहेगा। इस काम के लिए मैं थाना प्रभारी कुक्षी और उनकी पूरी टीम को 10,000 रुपया नगद इनाम देता हूँ। जो भी कुक्षी और मैकू साहब की मैं पूरी अपनी प्रशंसा भी करता हूँ। इससे पहले भी बड़ी मात्रा में क्या पकड़े थे? हाँ, ये उसी इनपुट के आधार पर जो सूचना कुछ सुदीप ने दिया था कि और कोई आदमी ऐसा है जो इस तरह का वाटर सप्लाई कर रहा है, इससे निशानदेही भी हम लोगों ने पकड़ा है। इसमें और सारी बातें हैं जिसपे भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या योजना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो अवैध शस्त्र बनाने वाले अपने यहाँ स्थिति में उन पर प्रभावी और सख्त कार्रवाई भी आवश्यक है। साथ ही सोशल पुलिसिंग के माध्यम से उनसे संवाद बढ़ा करके उनका जो पुश्तैनी या धंधा है उनसे कैसे इनको अलग किया जाए, वैकल्पिक कोई उनका काम धंधा दे करके उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाए, उनके सोच में परिवर्तन लाया जाए, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। जब तक पुलिस का भरोसा उन पर नहीं होगा और उनका भरोसा हम पर नहीं होगा, तब तक दृष्टिकोण परिवर्तन करने में थोड़ा दिक्कत जाएगी, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग जो इस अवैध काम में लगे हुए हैं उनसे उनको हम अलग कर पाएंगे।